नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है और मैं हूँ मेघा कौशिक। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल, बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा। साथ ही बताएंगे आपको आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, क्या कहता है आज का आपका दैनिक राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप भी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ आसान से उपायों के साथ। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ आपको बस हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। उससे पहले जान लेते हैं आज का राशिफल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल, क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे आज मनाए जाने वाले हरतालिका तीज के महत्व के बारे में, तीज के व्रत के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए चैलेंजिंग साबित हो सकता है। दूसरों के साथ मिलकर कोई नया काम करने का मौका मिल सकता है। बिजनेस के मामलों में कई लाभ के मौके आएंगे, उन मौकों को पहचानना सीखना होगा। आज के दिन की सफलता के लिए केले के पौधे की पूजा कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जिस काम को आप काफी समय से पूरा नहीं कर पा रहे थे, वही काम आज अचानक ही बनता हुआ नजर आएगा। आपके अंदर जो क्षमता है, जो साहस है, वही ताकत आज आपको सफलता के द्वार पर लाती जा रही है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक है, आज मन में थोड़ी सी चिंता हो सकती है, व्याकुलता हो सकती है, बेचैनी हो सकती है। इसके बावजूद आपके सोचे हुए काम आज पूरे होंगे। सामने आने वाली जितनी भी कठिन परिस्थितियां हैं, उसमें यथासंभव अपने मन को खुला रखिए, लचीला व्यवहार बनाए रखिए। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को पालक खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। मणि जी, आगे की राशियां लेने से पहले और कॉल लेने से पहले एक मेल ले लेते हैं। हमारे पास मेल है अनीशा जी का है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 20/9/1989 और उनका जन्म का समय है सुबह 5:30 बजे का। ये अपनी शादी और भविष्य के लिए जानना चाह रहे हैं। देखिए बेटा अनीशा, आपकी जो हॉरोस्कोप है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जैसा आपने बताया है, निश्चित तौर पे आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है, टीचिंग सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में आपको उच्च पद नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। कुंडली आपकी बहुत अच्छी है। दाम्पत्य भाव में राहु बैठा है, राहु की महादशा चल रही है। आपके विवाह का योग जो बनता है वो अगले वर्ष सन 2018 इस साल के अंदर अगर हम बात करें तो अक्टूबर नवंबर के पश्चात में विवाह तय होता है और उसके पश्चात में अगले साल विवाह का योग बनता है। कुंडली बहुत अच्छी, किसी तरह की कोई कमी नहीं है आपकी कुंडली के अंदर। चूँकि मंगल अस्त है तो लाल कपड़े खूब पहनिए, जितना संभव हो रेड कलर को जितना यूज करेंगे जीवन में उतने ही शुभता आपको प्राप्त होगी। अनीशा, उम्मीद करते हैं आपको आपकी परेशानी का हल मिल गया होगा और जल्द ही आपकी शादी भी हो जाएगी। पंडित जी हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, जीवन लाल जी हैं ब्यावर से। जीवन लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताइए। 14/9/1996 दोपहर का 2:33। आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते पंडित जी, मैं लड़के की हूँ। 14/9
1996 दोपहर का 2:33 सर, वो आईटीआई कर लिए इलेक्ट्रिशियन में, 2 साल के कोई जॉब नहीं लग रहा है, और वो सरकारी नौकर में किसने पुलिस में भर सकता है क्या? देखिए जी मिलाल जी, आपकी आप ये शायद दूसरी तीसरी बार पूछ रहे हैं अपने बच्चे के लिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपके बच्चे की जन्म कुंडली वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी है। सूर्य इसके भाग्य में स्वग्रही होकर बैठा है। जब भाग्य में सूर्य स्वग्रही होता है तो निश्चित तौर पे कोई भी कंपटीशन हो उसमें भाग्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। राहु की मादशा शनि का अंतर खत्म होगा अगले साल मार्च 2018 में, उसके पश्चात में इसकी सरकारी नौकरी में उच्च पद में जा सकता है। पुलिस जैसी सर्विसेज में अगर भेजना चाहें तो उसमें भी सरकारी नौकरी इसको मिल सकती है। अभी जो समस्या है, राहु चंद्रमा का चंद्र ग्रहण योग इसके दशम भाव में बना हुआ है, तो उस राहु की मादशा के शांति के लिए गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में इस बच्चे को धारण करवा दीजिए। साथ में संभव हो तो एक बार उज्जैन जाके कालसर्प दोष की, चूँकि चंडाल योग बनाते हुए कालसर्प दोष है, तो उसकी शांति अवश्य करवा दीजिए। रविवार को भैरजू के मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं, क्योंकि जो राहु है वो इसके दशम भाव में बैठा है नौकरी के घर। राहु सांप है, टेढ़ा चलता है तो बनते बनते काम को बिगाड़ता है। साथ में चूंकि मंगल नीच का है तो आप इसको बोलिए कि नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करें। मेरे हिसाब से सन 2018 अगस्त के पश्चात में इस बच्चे की नौकरी के पूर्ण योग बनते हैं। तो उम्मीद है जी मनलाल जी, आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। पंडित जी, अगली कॉलर हमारे साथ सरोज जी जुड़ गई हैं भरतपुर से, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 3 अगस्त 1959। सरोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका जन्म समय बताइए। मेरा जन्म समय है सुबह के 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में है। अपना प्रश्न पूछिए, क्या पूछना चाह रही हैं आप? मेरा बोलो बेटा, जल्दी से बोलिए, इतना समय नहीं होता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे को, मैं किसी के साथ जितना भी करती हूँ कोई जश्न नहीं मिलता मेरे को, और मेरे एक दो बेटे हैं, एक बेटे का जो है ना मेरे को शादी की बहुत चिंता लग रही है, उसकी शादी कब तक हो जाएगी, और मेरा साथ उनका, वो मेरा साथ दोनों बच्चे रहेंगे या नहीं रहेंगे? देखिए, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, जो आपने बताई है 3 अगस्त 1969 सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच के अंदर, तो अगर हम इस कुंडली के हिसाब से बात करते हैं तो ऐसा आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपकी कुंडली के अंदर शनि नीच का है। शनि जब नीच का हो जाता है तो व्यर्थ का अपमान अपयश करवा देता है। तो शनि को यदि आप ठीक करना चाहते हैं तो काले और नीले वस्त्र पहनना बंद कर दीजिए। शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ नहीं कर पाएं तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। आपके जीवन में यश कम और अपयश ज़्यादा लिखा हुआ है। निश्चित तौर पे बच्चे आपकी सेवा करेंगे और आपके जो संतान हैं वो आपके साथ रहेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और संतान से संबंधित जो भी आपकी समस्याएँ हैं, अगर आप बच्चे के विवाह की बात करते हैं, मांगलिक कार्य आपके घर में अगले साल होने की पूरी पूरी संभावना है। अगले साल आपके घर में मांगलिक कार्य अवश्य होगा। अपने घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक अवश्य जलाइए, नमक के पानी का पोछा अवश्य लगाइए, उसके साथ साथ में खाना बनाते समय अपना मुख पूर्व दिशा में रखिए। निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा रहेगा। और सूर्य भगवान को जल जरूर अर्पण कीजिए। अगर आप जीवन में यश वैभव चाहती हैं तो प्रतिदिन सूर्य आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें, निश्चित तौर पर सारे सुख प्राप्त होंगे। पंडित जी, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोटा से प्रदीप जी हैं, जो अपने बेटे वैभव के लिए पूछ रहे हैं। वैभव का जन्म की तारीख है 6 मार्च 2006 और समय है दोपहर में 1:20। आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। जय श्री कृष्ण मैडम, पंडित जी को राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ गुरु जी, मैं पूछना चाहूँ मेरे बच्चे के लिए, उसका 6 मार्च 2006 का जन्म है, 1:20 है, वो अपने भविष्य के बारे में और पढ़ाई के बारे में जानना चाह रहा हूँ गुरुजी। बस देखिए बेटा, ऐसा है प्रदीप, आपका जो बच्चा है वैभव, इसकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। चंद्र मंगल योग इसकी जन्म कुंडली में बना हुआ है द्वादश भाव में। विदेशों में बच्चा ये सेटल होगा और बड़ा उच्च नाम करेगा अपने परिवार का।
एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा रहेगा इसका, क्योंकि पढ़ाई के घर में देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं बैठे हुए हैं। टेक्निकल लाइन में इसको नहीं डालना है, इंजीनियरिंग डॉक्टर नहीं कराना है, इसको वकालत करवा सकते हैं, सीए बना सकते हैं, कॉमर्स सेक्टर में डाल सकते हैं, लॉ करवा सकते हैं, मैनेजमेंट डिग्री करवा सकते हैं। आगे आने वाले समय में ये बच्चा जो है वो आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो सिर्फ एक कमी है, इसके लग्नेश जो है वो बुध है, वो इसकी जन्म कुंडली में नीच का है। यानी इसके शरीर के घर का स्वामी, माँ के घर का स्वामी जो है बुध नीच का हो गया। एक नियम मान लीजिए कि हर साल इसके जन्मदिन के ऊपर और कोई आप काम करें ना करें, इसके वजन के बराबर गुड़ का दान आपको अवश्य करना है। गौशाला में जाके जितना इसका वेट है, वजन है, उतना गुड़ लेके जाना है, गौशाला में जाके गायों को खिलाना है। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि इसकी कुंडली के अंदर बुध नीच का है और बुध की शांति के लिए गुड़ का दान करना, वो भी गौशाला में, संपूर्ण रूप से दुखों से मुक्त करता है और सुखों की प्राप्ति करवाता है। धीरे धीरे इस बच्चे की आदत डालिए, एक तो गायत्री मंत्र का जाप इसको नियमित रूप से करना है, 11 बार सुबह 11 बार शाम को संभव हो, और धीरे, अभी तो छोटा है लेकिन आप अगर आदत डालेंगे तो वो बन जाएगी। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाए, निश्चित तौर पे बच्चा आपके परिवार का नाम रोशन करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दर्शकों आगे भी आपके कॉल लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं आगे की तीन राशियों और जानते हैं आज आपका दैनिक राशिफल आपके लिए क्या कुछ कहता है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन जितने भी आपके कार्यक्रम हैं उनको स्थगित कर दीजिए और अपने फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत बनाने में जुट जाइए, क्योंकि आज का दिन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। मनोवांछित धन लाभ आप आज आपको हो सकता है, और जीवन साथी जो है आपका लाइफ पार्टनर, उसकी बातों को गौर से सुनने समझने का प्रयास कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए विष्णु मंदिर में इत्र चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो सिंह राशि, अगर आज आप थोड़ा सा भी जोश दिखाते हैं, कुछ कर दिखने का इरादा रखते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके एफर्ट्स से आपके हर काम में आपको सक्सेस मिलेगी। परेशानियों का मुकाबला करके भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, आवेश के ऊपर संयम रखना होगा। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्या को कुछ मीठा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है कन्या राशि, आज आप में बहुत एनर्जी रहेगी, आपको सिर्फ अपने मूड को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। निश्चित तौर पे अधूरे काम पूर्ण होने के योग हैं। अपनी छवि पर, अपने आप के ऊपर कंसंट्रेट करें, बाकी लोगों पर ध्यान मत दीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ गुड लक टिप्स में।